यूट्यूब चैनल पर सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। यूपी ट्रिपल एससी की साइट पे एक नोटिस आई हुई है 3 मई को, कल की डेट में 3 मई 2023 को कट ऑफ डाउन हो गया है। आइए देखते हैं किस चीज़ का कट ऑफ डाउन हुआ। 2016 की भर्ती है विज्ञप्ति। उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या 18/5/2016 सीधी भर्ती सामान्य चयन 2016 के अंतर्गत विज्ञापित निदेशक उद्यानम खाद्य प्रसंस्करण विभाग उत्तर लखनऊ के नियंत्रणाधीन इलेक्ट्रीशियन के एक पद अनरिजर्व के सापेक्ष विज्ञप्ति संख्या अनुभाग 2019-16 दिनांक 14 जून 2019 द्वारा 85.14% मेरिट तक व विज्ञप्ति संख्या अनुभाग 2019-16 दिनांक 17 मार्च 2023 द्वारा 83.14% के आवेदकों के प्रपत्र शैक्षिक अभिलेख प्राप्त करने हेतु आयोग की वेबसाइट अपलोड कराई गई थी। उक्त दोनों विज्ञप्तियों के क्रम में प्राप्त प्रपत्र शैक्षिक अभिलेखों के परीक्षणोपरांत पर्याप्त संख्या में हर आवेदक उपलब्ध न होने के कारण विज्ञप्ति अनिवार्य शैक्षिक अर्हता विद्युत व्यवसाय में ITI प्रमाण पत्र और 1 वर्ष का अनुभव हो के सापेक्ष 46.80% मेरिट तक के समस्त चिन्हित आवेदकों से प्रपत्र शैक्षिक अभिलेख प्राप्त कर परीक्षण किए जाने का निर्णय लिया गया है। तो जो मेरिट इनकी थी, पहले कट ऑफ जो गया था कहाँ तक के चयन का 55.14, उसके बाद फिर घटा के 43.14 हो गया था। अब बिल्कुल इसको घटा के 46.80 कर दिया गया, 46.80 कट ऑफ कर दी गई है। तो वहाँ तक की जिनके भी नंबर हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं शैक्षिक अभिलेख इन सब के लिए। आइए देखते हैं, ये देखिए आप लोग विज्ञापन संख्या 2016, विभाग का नाम निदेशक उद्यान खाद्य प्रसंस्करण विभाग लखनऊ और पद इलेक्ट्रीशियन, पदों की संख्या ए अनरिजर्व और इसका जो कट ऑफ प्रतिशत विद्युत व्यवसाय में ITI प्रमाण पत्र और 1 वर्ष का अनुभव हो को धारित करने वाले 46.80% मेरिट तक के समस्त चिन्हित अभ्यर्थी। तो वो अपना देशना पत्र प्रमाण पत्र इन सबको डाउनलोड कैसे करेंगे, ये देखें। ये देखिए इलेक्ट्रीशियन पद के विज्ञापित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता विद्युत व्यवसाय में ITI प्रमाण पत्र और 1 वर्ष का अनुभव, उक्त पद हेतु पूर्व में ऑनलाइन आवेदन करने वाले समस्त चिन्हित अभ्यर्थी के द्वारा उपयुक्त अनिवार्य शैक्षिक अर्हता के सापेक्ष 46.80% तक अंक प्राप्त किए, सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग की वेबसाइट UP888.gov.in होम पेज के एग्जामिनेशन पब्लिक इंटरव्यू सेगमेंट के अंतर्गत डॉक्यूमेंट फॉर्म फॉर एलिजिबिलिटी चेकिंग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, यहाँ पे आपको जाना है। सबसे पहले UP888 साइट पे जाना है, उसके बाद एग्जामिनेशन इंटरव्यू सेगमेंट पे जाना है, फिर वहाँ पे उसके अंदर डाउनलोड फॉर्म फॉर एलिजिबिलिटी चेकिंग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इसमें चले जाना है, विकल्प पर क्लिक करना है, उक्त पद की सूची अपने नाम रजिस्टर नंबर की पुष्टि करते हुए सम्मुख अंकित अनिवार्य अर्हता निर्धारित कट ऑफ प्राप्तांक निर्धारित करने की स्थिति में, मतलब जो कट ऑफ परसेंट 46.80 अगर उतना तक है आपका मार्क तो निर्धारित करने की स्थिति में अभ्यर्थी अपने रजिस्ट्रेशन नंबर पर आवेदन पत्र, प्रमाणीकरण पत्र, देशना प्रपत्र एवं मन तालिका प्रपत्र डाउनलोड कर मुद्रित करेंगे। ये सब डाउनलोड करना है, उसके बाद उसको प्रिंट करा लेना है और वांछित सूचना भरकर इलेक्ट्रीशियन के पद वांछित अनिवार्य अर्हता अधिमान्य अर्हता संबंधित उसके समस्त सुसंगत अभिलेख यथा अनिवार्य शैक्षिक अर्हता संबंधित अंक तालिका प्रमाण पत्र उपाय सभी डॉक्यूमेंट्स लगा देना है, अनुभव प्रमाण पत्र एवं जात प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रत आदि संलग्न कर सबकी फोटोकॉपी लगा के आपको फॉर्म भर के उसके बाद उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सचिव उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग पिकअप भवन तेतल गोमती नगर लखनऊ 22-6010 के पते पर दिनांक 3/5/2023 मतलब 3 मई 2023 से अंतिम तिथि 23/5/2023 मई 2023 शाम 5 बजे तक व्यक्तिगत रूप से अथवा स्पीड पर रजिस्टर डाक से आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उक्त निर्धारित अवधि के उपरांत कोई प्रपत्र शैक्षिक अभिलेख स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो आपको 3 मई से लेकर 23 मई के बीच खुद जाके
लखनऊ में UP SSC के कार्यालय में अथवा रजिस्टर्ड डाक द्वारा को सभी प्रपत्र डाउनलोड करके सभी डॉक्यूमेंट लगा के सबमिट कर देना, उसके बाद आपका आगे की प्रक्रिया होगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।